बाबा जी बहुत बहुत शुक्र है तुसी अज इत्थे खड़ा के मम्मी दा सुपना पूरा करता है, क्योंकि वो चाहते सी कि मैं कभी इत्थे आके ना तुहाडे कोल रूबरू होवां। तो बाबा जी क्वेश्चन कोई नहीं, कन्फ्यूजन है बाबा जी, उन्होंने लाइफ दे ऐसी स्टेज ते आ गए हैं ना कि बाणी दी जो तुक है कि हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। हुण ना लाइफ च मतलब वो कोई चिंता भी नहीं रही, डर भी नहीं है, बहुत ही ना मतलब मैं बेपरवाह जी हाँ, लापरवाह नहीं गी, बेपरवाह। तो बाबा जी ये चंगी गल है, बहुत चंगी गल है बेटा। विश्वास की गल है ना, जे आप मालिक विच विश्वास है आप क्यों घबराना किसी चीज तो बेटा। जेड़े बच्चे नू एहसास होवे कि मेरा प्यो नाल खड़ा है, वो फिक्र करता है नहीं। फिर ते चंगी गल है बेटा। हमेशा मतलब कुछ भी अगर किसी सिचुएशन च हुंदी है ना तो विश्वास है बहुत ज्यादा, बहुत पक्का और वो रहता है हमेशा। नहीं बेटा, हर वक्त ना विश्वास रखना है, अपने वालों मेहनत करनी है और जो उदी मौज है उदे भाणे च रहना है। ते बाबा जी जिदा आप जी फरमांदे हो ना कि इंसान नू एक विवेक दी ताकत मिली हुई है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ते ओ अप्लाई करना चाहिदा। ते बाबा जी हर सिचुएशन च आपां नू विवेक मतलब वो चलाना ही है अपना। मैनू ये उदाहरण दे दियो कि किस विषय विच विवेक तो बगैर इंसान चल सकदा। हाँ, पर एक डिसीजन मेकिंग लिए विवेक तो चाहिए ही है। तो फिर मैनू पता तुसी जवान लोग दिल दे नाल चलदे हो, मगर दिल तो बथेरे धोखे दिंदा है। नहीं, पर जिद्दां मतलब ए मैं सुनी मतलब जो सुनदी है ना ओदे बारे विचार करदी, मतलब मैं नहीं सोचदी, मैं मतलब जो परमात्मा दी रजा है ओदे च ठीक हां। आपां नू पता बेटा, हले की पता आपां नू ओदी रजा भी की है बेटा। इसे करके मालिक ने विवेक दित्ता है कि थोड़ा जिहा सोच विचार के चलीए। आपां हले उस अवस्था च नहीं पहुंचे कि जिथे आपां नू एहसास हो जाए कि ओदा भाणा की है, ओदी रजा की है, वो लक्ष्य है, ओदे तरफ आपां वधण दी कोशिश करनी। बाबा जी एक रब थोनू मन्या, एक रब मम्मी नू मन्या होया आ, ते मम्मी नू हर खुशी दियो, जो भी वो डिजर्व कर दे उस तो ज़्यादा ही दियो।